इस क्रियाकलाप में आपने देखा कि किस प्रकार वस्तुओं को उनमें पाए जाने वाले लक्षणों के आधार पर छोटे छोटे समूहों में बांटा गया यहाँ हमने यह जाना कि वस्तुओं को उनके समान गुणों के आधार पर छोटे छोटे समूहों में बांटा गया था यानी समूह के निर्माण के लिए आधार की आवश्यकता होती है जितनी भी वस्तुएं एक ही समूह में रखी जा रही हैं उन सभी वस्तुओं में अधिक से अधिक समानताएं पाई जा रही हैं इस प्रकार से समूह का निर्माण ही समूहीकरण कहलाता है समूह को हम वर्ग भी कहते हैं इसीलिए इस प्रक्रिया को हम वर्गीकरण भी कहते हैं जाने अनजाने कहीं ना कहीं यह वर्गीकरण या, वर्गी या समूहीकरण की प्रक्रिया हम अपने दैनिक जीवन में अपने घरों में अपने शालाओं में करते हैं इस लाइब्रेरी को देखिए इस लाइब्रेरी में सारी किताबें यूं ही बिखरी पड़ी हुई है अव्यवस्थित है इस लाइब्रेरी से अगर आपसे एक किताब लाने के लिए कहा जाए तो यह कार्य आपके लिए समस्या से भरा हुआ होगा या आपके लिए परेशानी वाला होगा क्यों क्योंकि यहाँ पर किताबों को ढूंढना एक परेशानी वाला कार्य है जिसमें आपकी ऊर्जा और समय दोनों ही व्यर्थ जा रही हैं लेकिन वहीं अगर इस तरह की लाइब्रेरी हो जहाँ विज्ञान की किताबें एक अलग अलमारी में गणित से संबंधित किताबें एक अलग अलमारी में साहित्य कहानियों और विज्ञान से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताओं की किताबें अलग अलग अलमारी में इस तरह से व्यवस्थित रखी हूँ तो यहाँ से एक किताब को लाने में आपको किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको कोई परेशानी नहीं होगी क्यों क्योंकि यहाँ पर किताबें सुव्यवस्थित तरीके से जमाई गई हैं इन किताबों को जमाने के लिए आधार लिया गया है और यहाँ पर किताब को ढूंढना आसान है ठीक इसी प्रकार हमारे दैनिक जीवन में और भी जगहों पे हम अपने घरों में किचन में दुकानदार अपने दुकान में सामानों को जमाने के लिए वर्गीकरण या सामूहिकरण का उपयोग करते हैं इस वर्गीकरण का उपयोग अन्य विषयों में भी किया जाता है जैसे पदार्थों को ठोस द्रव और गैस तीन अवस्थाओं में बांटा गया है बल बल किस पर लगाया जा रहा है और उसका स्त्रोत क्या है उसके आधार पर बलों को भी प्रकारों में बांटा गया है जैसे पेशीय बल घर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल तो बच्चों हमारे आसपास इतने विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं जिनमें समान लक्षण भी पाए जाते हैं और विभिन्न लक्षण भी पाए जाते हैं इन विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के बारे में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठी करने के लिए उनके बारे में अध्ययन करने के लिए कहीं ना कहीं वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी तो इन जीवों को वर्गीकृत करने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए और किस तरह के प्रयास किए गए इसके बारे में आगे हम जानेंगे मछली कहाँ रहती है पानी में देखिए मछली मेढक कछुए ये सब कहाँ दिख रहे हैं आपको पानी में ये गजराज बाघ हिरण गाय और कुत्ते कहाँ हैं कहाँ दौड़ लगा रहे हैं ये सब जमीन पर तो आप देखिए हमारे आसपास कुछ जीव जो हैं वो जल में रहते हैं और कुछ थल में तो जीवों के रहने की जगह को ही कहा जाता है आवास तो इस आवास को आधार बनाकर सर्वप्रथम अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने समूह का निर्माण किया हमारे आसपास जितने भी प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जा रहे थे उन सभी पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने उनके आवाज के आधार पर दो समूहों में एक है स्थली और दूसरा है जली जल में रहने वाले जली और थल में रहने वाले स्थली पर क्या सभी जीव जंतु इन दो ही जगहों पर रहते हैं नहीं ना इसके बाद भी और बहुत सारे जीव वैज्ञानिकों ने जीवों के वर्गीकरण को लेकर निरंतर प्रयास किए समय समय पर विभिन्न प्रकार के कार्य भी किए गए पर इनके बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है इन दोनों पौधों को देखिए इन दोनों पौधों में क्या आपको कोई अंतर दिखाई देता है देखिए दोनों की ऊंचाई में अंतर दिखता है दोनों के फूलों के रंग में फूल की बनावट में और साथ ही साथ इनकी पत्तियों और पत्तियों की बनावट में भी आपको अंतर दिखाई दे रहा है तो ये आ, ये जो लक्षण आप देख रहे हैं ये आप देख कर बता रहे हैं आप देखकर इन दोनों पौधों में अंतर कर पा रहे हैं देख कर बताया जाने वाला लक्षण बाह्य लक्षण कहला रहा है यानी इन पौधों को देखकर जो हम इनके बारे में बता पा रहे हैं वो इनके बाह्य लक्षण हैं तो इस बाह्य लक्षण को आधार मानकर सन सोलह में वैज्ञानिक जॉन रे ने वर्गीकरण करने का प्रयास किया इसके पश्चात कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने वर्गीकरण करने का प्रयास किया उन्होंने आधार लिया पौधों में पाए जाने वाले लैंगिक जनन के अंगों को पुष्पों में पाए जाने वाले नर जनन अंग जिसे हम पुमंग कहते हैं और मादा जनन अंग जिसे हम जायांग कहते हैं इन दोनों की संख्या और उपस्थिति के आधार पर कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने वर्गीकरण करने का प्रयास किया इसके बारे में उन्होंने विस्तृत रूप से अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरे में ने बताया है और यह पुस्तक इनकी प्रकाशित हुई थी सन 1735 में कैरोलस लीनियस ने इसके बाद भी लगातार कई वर्षों तक वर्गीकरण हेतु प्रयास किया पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में पाई जाने वाली इस विविधता का उन्होंने निरंतर अध्ययन किया उनमें तुलना भी की और कई सारे नमूने भी इकट्ठे किए उनके द्वारा बताए गए वर्गीकरण के नियम को आज भी मान्य किया जाता है उन्होंने पौधों और जीव जंतुओं को दो जगत ने बांटा एक है पादप जगत पौधों को उन्होंने रखा पादप जगत चाहे वह किसी भी आवास का रहने वाला हो चाहे वो जली हो चाहे वो स्थली हो इसी प्रकार जीव जंतुओं को भी उन्होंने सभी प्रकार के जीव जंतुओं को उन्होंने एक ही जगत में रखा जिसे उन्होंने नाम दिया जंतु जगत तो अरस्तु नामक वैज्ञानिक ने विश्व में पाए जाने वाले संपूर्ण जीव जंतुओं को दो भागों में बांटा पादप जगत और जंतु जगत कैरोलस लीनियस ने अपने वर्गीकरण में एक शब्द का प्रयोग किया था वह शब्द था पदानुक्रम यानी पदों का अनुक्रम उन्होंने सात प्रकार के पदों के बारे में बताया वे सात पद कौन कौन से थे तो जगत पहला पद जगत किंगडम दूसरा पद संघ फाइलम तीसरा पद वर्ग क्लास और चौथा पद गण ऑर्डर पांचवा पद कुल फैमिली छठवा पद वंश जा वंश जीनस और सातवा पद जाति जिसे अंग्रेजी में स्पीशीज कहा जाता है अब ये पदानुक्रम क्या है यानी पदों का क्रम जब हम जीवों को उनके विकास और गुणों के आधार पर क्रमशः समूहों में बांटते हैं तो उसे हम पदों का अनुक्रम कहते हैं या पदानुक्रम कहते हैं यानी पदानुक्रम वह प्रक्रिया है जिसमें जीवों को उनके गुणों एवं विकास के आधार पर क्रमशः समूहों में बांटा जाता है या वर्गीकृत किया जाता है उसे हम पदानुक्रम कहते हैं मनुष्य का पदानुक्रम आपको यह दिखाई दे रहा है मनुष्य के इस पदानुक्रम में पहला पद आपको यहाँ जगत दूसरा संघ तीसरा वर्ग चौथा गण पांचवा कुल छठवा वंश और सातवा पद आपको दिखाई दे रहा है जाति पदों का यह जो क्रम है वो हमेशा निश्चित रहता है पहला पद हमेशा जगत होगा और आखिरी पद हमेशा जाति होगा बीच के जो क्रम हैं वो भी इसी तरह फिक्स होंगे जगत संघ वर्ग गण कुल वंश और जाति इन पदों के क्रमों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है यानी पदानुक्रम के आधार पर किसी भी जीव का वर्गीकरण कर पाना और समझ पाना दोनों ही आसान है इस जीव से आप भली भांति परिचित हैं इस जीव का नाम है युगलिना युगलिना एक ऐसा जीव है जिसमें पौधे एवं जंतु दोनों के ही लक्षण पाए जाते हैं हरे पेड़ पौधे पौधे जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं यानी व स्वपोषी होते हैं यानी पौधों में हरित लवक भी पाया जाता है और वह स्वपोषी भी होते हैं जबकि जंतुओं में कोशिका भित्ति का अभाव पाया जाता है साथ ही साथ ये जीव हरित लवक की अनुपस्थिति के कारण अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं और अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं यानी ये विषम पोषी जीव होते हैं तो युगलिना एक ऐसा जीव है जिसमें पादप और जंतु दोनों के ही लक्षण पाए जाते हैं कैरोलस लीनियस ने अपने द्विजगत वर्गीकरण जिसमें उन्होंने पेड़ पौधे और जीव जंतुओं को दो जगत में बांटा था पादप जगत और जंतु जगत में ऐसे जीवों को स्थान नहीं दिया है और यही इस जगत की सबसे बड़ी कमी थी जब कैरोलस लीनियस अपना वर्गीकरण का कार्य कर रहे थे उस समय आज के ज़माने की तरह सुविकसित माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी नहीं थे, और इसी कारण उनके वर्गीकरण में कोशिका की आंतरिक संरचना को आधार नहीं दिया गया है यह उनकी दूसरी बड़ी कमी थी समय के साथ साथ सूक्ष्मदर्शी विकसित होते चले गए और विकसित सूक्ष्मदर्शी होने के कारण कोशिका की आंतरिक संरचना के बारे में भी अधिक जानकारी प्राप्त होती चली गई और इस प्रकार वर्गीकरण को कोशिका की आंतरिक संरचना के आधार पर भी वर्गीकरण के लिए नए आधार मिलते चले गए सन उन्नीस में आर एच विटेकर नामक वैज्ञानिक ने संपूर्ण जगत को पांच जगत में वर्गीकृत किया जैसा कि हम पहले भी जानते हैं कि वर्गीकरण करने के लिए आधार की आवश्यकता है तो इस वर्गीकरण को करने के लिए आर एच ने भी कुछ आधार दिए तो चलिए हम जानते हैं कि ये आधार कौन कौन से थे पहला आधार था केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति और अनुपस्थिति यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका दूसरा आधार कोशिका का संगठन यानि एक कोश की जीव और बहु कोश की जीव तीसरा आधार पोषण का स्तर पोषण के स्तर के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया स्वपोषी और विषम पोषी चलिए इन तीनों आधारों को हम विस्तार से समझने के प्रयास करते हैं पहला आधार केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति और अनुपस्थिति प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका विकास के आधार पर कोशिकाओं को दो भागों में बांटा गया कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका प्रो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव जिसे अंग्रेजी में प्रिमिटिव कहा जाता है प्रिमिटिव का अर्थ होता है प्राचीन यानी ऐसी कोशिका जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है उसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं जबकि यूकैरियोटिक यानी एडवांस्ड सेल यानी पूर्ण रूप से विकसित कोशिका यानी ऐसी कोशिका जो पूर्ण रूप से विकसित होती है उसे हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका पूर्ण रूप से विकसित नहीं है यानी अल्प विकसित है इसीलिए उसमें केंद्रक भी अल्प विकसित होता है जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पूर्ण विकसित होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली जो है वो अनुपस्थित होती है जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली जो होती है वो उपस्थित होती है प्रो कोशिका जो है उसमें विभिन्न प्रकार के कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रितिकाएं या लवक ये सभी अनुपस्थित होते हैं जबकि यू कोशिका में गोल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम हिंदी में अंतपद्रवी जालिका भी कहते हैं हर, हरित लवक ऋतिकाएँ माइटोकॉन्ड्रिया ये सारे कोशिकांग उपस्थित होते हैं परंतु लवक यानी क्लोरोफिल जो होता है वो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है कोशिका जो है उसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है जबकि कैरियोटिक कोशिका में ऋतिकाएं जो होती है वो अनुपस्थित होती है जबकि यू कोशिका में रितिकाएं जो होती है वो उपस्थित होती हैं, बच्चों प्रो कोशिका और यू कोशिका में अंतर लिखने के लिए परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है इन अंतरों को अगर आप बहुत अच्छे से समझ पाते हैं तो इन अंतरों को आप आसानी से लिख पाएंगे बस आपको इस बात को ध्यान रखना है प्रो का मतलब होता है पुराना और यू का मतलब होता है एडवांस यानी नया प्रो मतलब पुरानी यानी अल्प विकसित यू मतलब एडवांस यानी पूर्ण विकसित इस छोटे से ट्रिक की सहायता से आप प्रो कैरियोटिक कोशिका और यू कैरियोटिक कोशिका को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और अंतर को लिख पाएंगे चलिए अब आ जाते हैं दूसरा आधार जो दूसरा आधार इस वर्गीकरण के लिए लिया गया था वो था संगठन का स्तर संगठन संगठन का क्या अर्थ है संगठन का मतलब होता है जोड़ना संगठन का मतलब होता है जोड़ना ना? आप पहले भी जान चुके हैं ये भली भांति इस बात से परिचित हैं कि जो हमारा शरीर है ये पूरा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलके बना है हमारा जो तो शरीर है इस शरीर इस शरीर का आधारभूत इकाई कौन है कोशिका जिस प्रकार से घर बनाने के लिए आधारभूत इकाई कौन होता है ईट होती है ठीक उसी प्रकार से जीव के शरीर का निर्माण करने के लिए आधारभूत और क्रियात्मक संरचनात्मक जो इकाई होती है वो होती है कोशिका यानी बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर उतक बनाती हैं इसके बारे में आप भली भांति परिचित हैं पूर्व के क्लासेस में आप इसके बारे में जान चुके हैं कोशिकाएं आपस में जुड़कर उतक बनाती हैं और उतक उत्पत्ति और विकास के आधार पर आपस में जुड़ते हैं और किसका निर्माण करते हैं अंग का बहुत सारे अंग आपस में जुड़ते हैं और जुड़कर अंग तंत्र बनाते हैं अंग तंत्र जैसे पाचन तंत्र श्वसन तंत्र उत्सर्जन तंत्र ये सारे तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं यानी कोशिकाएं आपस में जुड़ी तो उतक का निर्माण की उतक आपस में जुड़े तो अंग का निर्माण किए अंग आपस में जुड़े तो अंग तंत्र का निर्माण किए और अंग तंत्र से किसका निर्माण हुआ शरीर का है ना? तो बहु कोश की जो जीव होते हैं वो ऐसे जीव होते हैं जिनका शरीर जो होता है वो बहुत सारी कोशिकाओं के आपस में जुड़ने से बना हुआ होता है जैसे कि कुत्ते बिल्ली गाय घोड़े इस चित्र में आपको जितने भी जीव दिखाई दे रहे हैं ये सारे बहुकोश जीव हैं वहीं एक कोश की जीव एक कोश की मतलब एक कोशिका यानी ऐसे जीव जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है उसे हम एक कोश की जीव कहते हैं आप युगलिना पैरामीशियम इन सबसे भली भांति परिचित हैं इनके बारे में आप पूर्व के क्लासेस में जान चुके हैं युगलिना पैरामीशियम अमीबा ये सब कैसे जीव हैं एक कोश की जीव हैं क्योंकि इनका शरीर एक ही कोशिका से बना हुआ होता है इसलिए यह एक कोशिका ही सारे जैविक क्रियाएं करती हैं जैविक क्रिया मतलब पाचन श्वसन उत्सर्जन यानी उस जीव के जितने भी कार्य हैं वो सारे कार्य उस एक ही कोशिका के द्वारा संपादित किए जाते हैं जबकि बहु कोश की जीवों में क्या होता है कि बहुत सारी कोशिकाएं हैं इसलिए वहाँ जो कोशिकाएं है होती हैं वो एक विशेष कार्य को करने के लिए सक्षम होती हैं अगर आपसे ये पूछा जाए एक कोश जीव किसे कहते हैं उसके उदाहरण दीजिए या बहु कोश की जीव किसे कहते हैं उसके उदाहरण दीजिए तो आप यहाँ बता पाएंगे एक कोष की जीव ऐसा जीव जो केवल एक ही कोशिका का बना हुआ होता है उदाहरण के लिए अमीबा पैरामिशियम युगलिना बहु कोश की जीव ऐसे जीव जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है उसे हम बहु कोश की जीव कहते हैं उदाहरण के लिए कुत्ते बिल्ली घोड़े एक कोश की जीव अपने सारे कार्य एक ही कोशिका से संपादित करते हैं जबकि बहु जीवों में कार्यों का संपादन करने के लिए जो कोशिकाएं होती हैं उसमें विशेष दक्षता होती है यानी अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग कार्यों को करती हैं आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है एक कोष की जीव की परिभाषा लिखिए और बहु कोश जीव की जीवों की परिभाषा लिखिए और उसके उदाहरण दीजिए चलिए अब आ जाते हैं तीसरा आधार वो है पोषण का स्तर पोषण का स्तर पोषण पोषण मतलब आहार बच्चों हम सभी को अपने कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है अब ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है क्या किसी भी जीव को अपने कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है ये ऊर्जा वो कहाँ से प्राप्त करेगा बिल्कुल वह अपने पोषण से प्राप्त करेगा पोषण मतलब भोजन कोई भी जीव जब भोजन ग्रहण करता है तो उसे ऊर्जा मिलती है और इस ऊर्जा का उपयोग वो अपने विभिन्न प्रकार के क्रियाओं जैसे पाचन श्वसन उत्सर्जन इत्यादि को करने के लिए इस ऊर्जा का उपयोग करता है इस पोषण के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है एक है स्वपोषी और दूसरा है विषम पोषी स्वपोषी नाम से स्पष्ट है बच्चों स्वपोषी स्व मतलब स्वयं पोषी मतलब पोषण यानी ऐसे जीव जो स्वयं का पोषण करते हैं उसे हम स्वपोषी जीव कहते हैं हमारे आसपास इतने विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं इतनी विविधता लिए हुए पेड़ पौधे हैं जो जलीव भी हैं स्थलीय भी हैं मरुस्थलीय भी हैं इन सभी पेड़ पौधों में हरे रंग का पदार्थ यानी लवक पाया जाता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं ये क्लोरोफिल जो है इसकी उपस्थिति में ये हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके वो भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं उनके द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों को संपूर्ण जगत के दूसरे जीव भी उपयोग में लाते हैं यानी हमारे आसपास जितने भी प्रकार के ये पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं ये सभी पेड़ पौधे स्वपोषी हैं क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं तो बच्चों स्वपोषण स्वपोषण का मतलब होता है स्वयं का पोषण करने वाले जीव जिसमें सभी पेड़ पौधे शामिल हैं अब है विषम पोषी विषम पोषी विषम मतलब दूसरों पर आश्रित रहने वाले यानी ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं उसे हम विषम पोषी जीव कहते हैं हम अपने भोजन के लिए हम स्वयं मनुष्य भी अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित हैं जैसे कि पेड़ पौधों पर कुत्ते बिल्ली गाय ये सब ऐसे जीव हैं जो अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर आश्रित हैं तो पोषण के स्तर के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया स्वपोषी और विषम पोषी स्वपोषी पेड़ पौधे विषम पोषी गाय कुत्ते बिल्ली घोड़े बाघ ये सब किसमें आएंगे विषम पोषी में बच्चों आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है स्वपोषी किसे कहते हैं उदाहरण दीजिए विषम पोषी किसे कहते हैं उदाहरण दीजिए तो आपको परिभाषा लिखकर उनके उदाहरण देना है तो इस प्रकार से आर एच बिटेकर जी ने संपूर्ण जगत को पांच जगत में बांटा जगत मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी और एनिमेलिया और इस पांच जगत को बांटने के लिए उन्होंने इन आधारों को लिया जिनके बारे में हमने अभी चर्चा की आर एच विटेकर जी ने पांच जगत वर्गीकरण जो किया है उन सभी जगतों को हम एक एक करके विस्तार से जानेंगे बच्चों हमारे आसपास जितने भी पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं वो सभी कैसे हैं सजीव हैं सजीव मतलब जो श्वसन की क्रिया करते हैं अपने ही समान संतानों की को उत्पन्न करते हैं उसे हम सजीव कहते हैं तो संपूर्ण सजीवों को उनमें पाए जाने वाली कोशिका के प्रकार के आधार पर दो भागों में बांटा गया है देखिए सजीव सजीवों को कोशिका के आधार पर दो भागों में बांटा गया प्रो कोशिका और यू कोशिका प्रो कोशिका यानी अल्प विकसित कोशिका जिसमें केंद्रक अल्प विकसित है केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित है विभिन्न प्रकार के कोशिकांग भी अनुपस्थित हैं जिसमें ऋतिकाएं भी अनुपस्थित हैं वहीं यू कोशिका ऐसी कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत मोनेरा जगत को रखा गया है मोनेरा जगत में सभी प्रकार के जीवाणु शामिल हैं वहीं यूकैरियोटिक कोशिका में उन जीवों को शामिल किया गया है जिनकी कोशिका पूर्ण विकसित होती है जिनमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है जिनमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है जिनमें ऋतिकाएँ पाई जाती हैं और जिनमें विभिन्न प्रकार के कोशिकांग जैसे गोलजिका है अंतपद्रवी जालिका माइटोकॉन्ड्रिया लवक आदि सभी पाए जाते हैं अब इस यू कोशिका को उनके कोशिका के संगठन के आधार पर पुनः दो भागों में बांटा गया है यानी यह यूकैरियोटिक कोशिका एक कोशिकी है या बहु कोशिकी है इनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना है या बहु कोशिका से मिलकर बना है उसके आधार पर पुनः दो भागों में बांटा गया है देखिए एक कोश जीव जिसके अंतर्गत जगत प्रोटिस्टा को रखा गया है जैसे कि अमीबा युग्लिना पैरामिशियम वहीं बहु कोश की जीव बहु कोश की जीव जैसे कि मनुष्य कुत्ता बिल्ली जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है अब इन यू कैरियोटिक कोश की कोशिका को उनमें पाए जाने वाली कोशिका भित्ति के आधार पर पुनः दो भागों में बांट दिया गया है कोशिका भित्ति जिसमें पाई जा रही है और कोशिका भित्ति जिसमें नहीं पाई जा रही है यानी कोशिका भित्ति जिसमें पाई जा रही है तो उन जीवों को भी पुनः दो भागों में बांट दिया गया है यानी ऐसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं और एक ऐसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने वाले जो जीव हैं वो कौन है प्लांटी तो उन्हें रखा गया है प्लांटी में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर सकते हैं उन्हें रखा गया है जगत पंजई में इन सभी जगत के बारे में बच्चों अभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे बहु कोश की जीव जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जा रही है उसके अंतर्गत जगत एनीमेलिया को रखा गया है जगत एनिमेलिया मतलब जीव जंतुओं का समूह जैसे कि जैसे कि मछली तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सजीवों को दो भागों में बांटा गया किसके आधार पर कोशिका के आधार पर प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत एक कोष के जीव आ रहे हैं जगत मोनेरा उदाहरण के लिए जीवाणु यूकैरियोटिक कोशिका को पुनः कोशिका के संगठन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है प्रोटिस्ट एक कोश की और बहु कोश की एक कोश की जीवों में प्रोटिस्टा को रखा गया है जगत प्रोटिस्टा जिसके अंतर्गत अमीबा आते हैं बहु कोश को, की जीवों को कोशिका भित्ति की उपस्थिति के आधार पर दो भागों में बांट दिया गया है कोशिका भित्ति उपस्थित और कोशिका भित्ति अनुपस्थित कोशिका भित्ति जब उपस्थित है तो उन्हें फिर दो भागों में बांट दिया गया है प्रकाश संश्लेषण कर पाने वाले और प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाने वाले प्रकाश संश्लेषण कर पाने वाले हैं तो उसे जगत प्लांटी में रख दिया गया है प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते हैं तो उसे जगत फंजाई में रख दिया गया है और जो कोशिका भित्ति रहित हैं जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जा रही है उसे जगत एनिमेलिया में रख दिया गया है जैसे कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं बच्चों आर एच विटेकर जी ने जो अपना वर्गीकरण दिया था यह जो वर्गीकरण था बहुत अधिक सरल विकसित और सुव्यवस्थित था इसके पहले भी बहुत सारे वर्गीकरण करने के प्रयास किए गए थे उन पूर्व के सभी वर्गीकरण से यह वर्गीकरण अत्यधिक सरल था और सुविकसित और व्यवस्थित था तो चलिए आइए जानते हैं एक एक करके कि इन जगत की कौन कौन सी विशेषता थी आर एच विटेकर जी ने जो पांच जगत लिए थे वो पांच जगत क्रमशः हैं जगत मोनेरा जगत प्रोटिस्टा जगत फंजई जगत प्लांटी और जगत एनिमेलिया जगत मोनेरा इसके अंतर्गत ऐसे जीवों को शामिल किया गया है जो कैसे हैं एक कोश हैं एक कोश मतलब इन जीवों का शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना है यानी ये जो जीव हैं वो सारी क्रियाएं एक ही कोशिका से संपादित करते हैं दूसरा इसमें जो उपस्थित जीव हैं उनमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित है यानी ये कैसे जीव हुए प्रोकैरियोटिक जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं प्रोकैरियोटिक जीव यानी ऐसे जीव जिनमें कोशिका अल्प विकसित है अल्प विकसित है मतलब उसमें केंद्रक भी अल्प विकसित होगा और केंद्रक झिल्ली भी कैसी होगी अनुपस्थित होगी इसलिए जगत मोनेरा के जितने भी जीव हैं उनमें केंद्रक झिल्ली जो है वो अनुपस्थित है और वो कैसे हैं प्रोकैरियोटिक जीव हैं इसके अंतर्गत जितने भी जीव हैं वो सब कैसे हैं स्वपोषी हैं और विषमपोषी हैं यानी ये अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित भी हैं और अपने भोजन का निर्माण भी स्वयं भी कर सकते हैं यानी इसमें दोनों ही प्रकार के जीवों को शामिल किया गया है जगत मोनेरा की एक विशेषता है जो मुख्य विशेषता है इस जगत के सभी जीवों में कोशिका भित्ति पाई जाती है और इनकी जो कोशिका भित्ति है वो पैप्टीडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है पैप्टिडोग्लाइकिन यानी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई कोशिका भित्ति बच्चों हम जो पांच जगत का अध्ययन कर रहे हैं इसमें से जगत प्लांटी में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है जगत मोनेरा और जगत प्लांटी दोनों के कोशिका भित्ति में अंतर है जगत मोनेरा के अंतर्गत पाए जाने वाले जीवों में जो कोशिका भित्ति पाई जा रही है उस वह कोशिका भित्ति पैप्टीडोग्लाइकिन की बनी है जो इस जगत के जीवों की मुख्य विशेषता है आपसे यह पूछा जाता है दोनों जगत के कोशिका भित्ति में क्या अंतर है तो आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे जगत मोनेरा के अंतर्गत जो जीव आते हैं जो आपको यहां दिखाई दे रहे हैं जीवाणु जिसके अंतर्गत ई कोलाई आ रहा है एना जिसे कि हम साइनो भी कहते हैं ये जीव जो है वो जगत मोनेरा के सदस्य हैं अब आते हैं जगत प्रोटिस्टा दूसरा जगत है जगत प्रोटिस्टा जगत प्रोटिस्टा के अंतर्गत भी जितने भी जीव आते हैं वो सभी कैसे हैं एक कोश की जैसे कि मैं आपको पूर्व में बता चुकी हूं एक कोश की जीव यानी अपने संपूर्ण जैविक क्रियाएं वो एक ही कोशिका के माध्यम से करेंगे दूसरा इस जगत के जो जीव है वो केंद्रक झिल्ली सहित पाए जाते हैं सहित मतलब ये पूर्ण विकसित कोशिका है यानी यह कोशिका कैसी है यू कैरियोटिक कोशिका है यू कैरियोटिक कोशिकी कोश जीव हैं और इसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है यानी इसमें केंद्रक भी पाया जाएगा इस जगत के अंतर्गत जितने भी जीव पाए जाएंगे वो स्व स्व कैसे हैं स्वपोषी भी हैं और विषम पोषी भी यानी अपना भोजन स्वयं भी निर्मित कर सकते हैं और अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर भी करते हैं इसके अंतर्गत अमीबा पैरामिशियम युगलिना एंटमीबा इत्यादि जीव आते हैं इन सभी जीवों को आप नाम से भी जानते हैं और इनके बारे में आप पूर्व की कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं कि ये बहुत छोटे जीव हैं सूक्ष्म जीव हैं जिन्हें हम आंखों से देख नहीं सकते हैं यानी ये एक कुछ की जीव हैं। बच्चों अभी तक हमने दो जगत के बारे में चर्चा की जगत मोनेरा और जगत प्रोटिस्टा इन दोनों जगत में मुख्य अंतर क्या है अगर आपसे कोई ये पूछे कि जगत मोनेरा और जगत प्रोटिस्टा में मुख्य अंतर क्या है तो आप क्या बताएंगे आइए अभी हमने पढ़ा जगत मोने जगत मोनेरा मोनेरा के जो जीव होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं जबकि जगत प्रोटिस्टा के जो जीव हो है होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं जगत मोनेरा के जो जीव हैं उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है जबकि जगत प्रोटिस्टा के जीवों में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है दूसरा अंतर तीसरा जगत मोनेरा के जीवों में कोशिका भित्ति पाई जाती है और ये कोशिका भित्ति किसकी बनी है बच्चों पेप्टिडोग्लाइकेन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट жел... से बनी हुई है जबकि जगत प्रोटिस्टा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है ये मुख्य तीन अंतर हैं जो जगत मोनेरा को जगत प्रोटिस्टा से क्या करते हैं अलग करते, है। करते हैं बच्चों कई बार ये प्रश्न आपसे दो या तीन नंबर में पूछा जाता है जगत मोनेरा और जगत प्रोटिस्टा में अंतर लिखिए चलिए आइए अब हम चलते हैं अगले जगत की तरफ वो है जगत फंजाई आपको चित्र में क्या दिखाई दे रहा है बच्चों कुछ संरचनाएं दिख रही हैं आपको धागे के समान सफेद सफेद कुछ संरचनाएं नजर आ रही हैं है, है ना इन संरचनाओं को आपने कहीं देखा है हम्म बारिश के दिनों में या ऐसी जगहों पे जहां पर बहुत ज्यादा नमी पाई जाती है बारिश के दिनों में अधिकतर आपने चमड़े और चमड़े से बनी हुई विभिन्न वस्तुएं जैसे बैग बेल्ट जूते इत्यादि पर या फिर नमी लगी हुई ब्रेड या रोटी पर या फिर बहुत सारे खाद्य पदार्थ जैसे अचार अचार के ऊपर आपने सफेद रंग की जालीदार संरचनाएं देखी होंगी ये जालीदार संरचनाएं क्या हैं इसे हम फफूंद कहते हैं है ना हम इसे फफूंद के नाम से जानते हैं ये फफूंद ही कवक कहलाता है इसे हिंदी में हम कवक कहते हैं और अंग्रेजी में इसे हम फंजाई कहते हैं तो बच्चों इस जगत में कवक और फंजाई जगत में ऐसे जीवों को शामिल किया गया है जिनका शरीर जो होता है वो धागे के समान धागे के समान पतली संरचनाओं से, से मिलकर बना हुआ होता है या रेशेदार संरचनाओं से मिलकर बना हुआ होता है या जिसे हम तंतु कहते हैं ये तंतुमय संरचनाएं जो होती हैं आपस में जुड़कर एक जाल के समान संरचना बनाती है जिसे हम कवक जाल हिंदी में कहते हैं कवक जाल जिसे अंग्रेजी में माइसिलियम भी कहा जाता है यानी जगत फंजई के अंतर्गत जितने भी जीव आएंगे उन जीवों का जो शरीर है वो तंतुमय होता है तंतु के समान संरचना से बना हुआ होता है और ये संरचनाएं आपस में जुड़कर एक जाल के समान संरचना बना लेती हैं और इस जाल नुमा संरचना को ही हिंदी में हम कवक जाल या माइसीलियम कहते हैं बच्चों यह विशेषता इस जगत की मुख्य विशेषता है कई बार आप लोगों से यह प्रश्न पूछा जाता है कि जगत फंजाई या जगत कवक की का एक मुख्य लक्षण लिखिए तो उसका एक मुख्य लक्षण यही है कि इसमें माइसीलियम या कवक जाल पाया जाता है जीवों का जो शरीर है वो तंतुमय होता है जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं इसमें भी जितने भी जीव आते हैं वो सभी कैसे होते हैं एक कोश की होते हैं और कुछ बहु कोश की भी होते हैं यानी इस जगत में एक कोष की जीव भी पाए जा रहे हैं और बहु कोश की जीव भी पाए जा रहे हैं और इस जगत के जो जीव होते हैं वो विषम पोषी होते हैं विषम पोषी यानी अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है इस जगत के जितने भी जीव हैं उनमें हरित लवक नहीं पाया जाता है इस जीव के उदाहरण देख लेते हैं म्यूकर ईस्ट एगेरिकस जिसे हम मशरूम भी कहते हैं राइजोपस, ब्रेड मोल्ड एस्परजिलस पेनिसिलियम और कुकुरमुत्ता भी कुकुरमुत्ता का नाम तो आप सभी ने सुना हुआ है कुकुरमुत्ता जो कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है यह कुकुरमुत्ता भी जगत फंजाई का एक सदस्य है इसे इस जगत में रखा गया है क्योंकि इसमें सारी समानताएं या समान लक्षण पाए जाते हैं जगत फंजई या जगत कवक के जो जीव हैं, वो सहजीवी भी होते हैं मृतोपजीवी भी होते हैं और परजीवी भी होते हैं बच्चों ये सहजीवी क्या है मृतोपजीवी क्या है और परजीवी क्या है चलिए आइए थोड़ा इनको समझें सहजीवी बच्चों नाम से स्पष्ट है यहाँ पे अगर इस शब्द को समझा जाए सह मतलब साथ जीवी मतलब जीवन यापन करने वाले यानी जब दो जीव आपस में मिलकर साथ साथ जीवन यापन करते हैं तो उसे हम सहजीवी कहते हैं एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हुए जब वो अपना जीवन यापन करते हैं तो उसे हम सहजीवी कहते हैं चलिए आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं हमारे सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है ये चित्र है लाइकेन का लाइकेन जो कि कवक और शैवाल इन दोनों के मिलने से बना है शैवाल जो कि जगत प्लांटी का सदस्य है प्लांटी मतलब प्लांट जिसके बारे में अभी हम आगे चर्चा करेंगे पौधों में क्या विशेषता होती है बच्चों पौधों में हरित लवक पाया जाता है इसलिए वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन का निर्माण करते हैं तो ये सारे लक्षण जो हैं वो शैवाल में पाए जाते हैं वहीं कवक जो कि जगत कवक का सदस्य है ये क्या काम करता है जल और खनिज पदार्थों को अवशोषित करता है और अवशोषित करके ये शैवाल को देता है यहाँ शैवाल और कवक दोनों एक साथ इस प्रकार से रहते हैं ऐसा लगता है जैसे दोनों एक ही जीव हैं और परस्पर एक दूसरे को क्या करते हैं फायदे भी देते हैं शैवाल जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहा है और भोजन का निर्माण कर रहा है वहीं कवक जो है वो जल और खनिज लवण को अवशोषित करके शैवाल को दे रहा है यानी परस्पर एक दूसरे को फायदा देते हुए जब दो जीव साथ में रहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं सहजीविता तो लाइकेन जो है वो सहजीविता का एक अच्छा उदाहरण है लिटमस आप सभी जानते हैं देखा होगा आपने लिटमस इसी लाइकेन से बनाया जाता है अब आते हैं मृतोपजीवी पर मृतोपजीवी मृत जीवी, जीवी यानी जो जीव अपने जीवन के या जो अप, जीव अपना जीवन यापन या अपना पोषण जो होता है वो मृत जीवों से क्या करते हैं प्राप्त करते हैं उसे हम मृतोपजीवी कहते हैं परजीवी परजीवी पर मतलब दूसरे यानी जो अपने जीवन यापन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं परजीवी सहजीवी मृतोपजीवी और परजीवी सहजीवी साथ साथ जीवन यापन करना मृतोपजीवी मृत शरीर पर जीवन के लिए निर्भर रहना और परजीवी, दूसरे जीवों पर जीवित जीवों पर अपने जीवन के लिए निर्भर रहना परजीवी जीव कहलाते हैं बच्चों कवक बोलते ही हमारे दिमाग में आता है कि कवक मतलब ये हमें कोई ना कोई हानि पहुंचाएंगे क्योंकि ये हमारे खाद्य पदार्थों को भी क्या कर देते हैं सड़ाते हैं है ना चमड़े के बैग जो होते हैं या बेल्ट उसको खराब कर देते हैं यानी हमारे दिमाग में ये है कि ये कवक जो है हमेशा हानिकारक ही होते हैं पर ऐसा नहीं है ये जो कवक है वो हानिकारक भी होते हैं और लाभदायक भी होते हैं आप सभी ईस्ट से भली भांति परिचित हैं ईस्ट जो होता है वो ब्रेड और बियर दोनों को बनाने में मदद करता है यानी ईस्ट की सहायता से ब्रेड और बियर दोनों का निर्माण किया जाता है वहीं जब हम बीमार होते हैं तो हम एंटीबायोटिक यानी दवाई लेते हैं ये दवाइयां जो होती हैं वो इन्हीं कवक से बनाई जाती हैं देखिए विभिन्न प्रकार की जो दवाएं आपको दिखाई दे रही हैं एंटीबायोटिक ये सारी दवाइयां जो होती हैं वो प्रतिजैविक के रूप में बीमार होने पर हम ग्रहण करते हैं यानी कहीं ना कहीं ये जो कवक है ये हमारे लिए लाभदायक हैं इनसे दवाओं का निर्माण हो रहा है वहीं कुछ जो कवक होते हैं वो हानिकारक भी हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं तो देखा हमने कि कवक जो होते हैं वो हमारे लिए लाभदायक भी हैं और हानिकारक भी हैं बच्चों कभी आपने सोचा है कि हम जो खाना है उसे फ्रिज में क्यों रखते हैं फ्रिज में रखने पर खाना देरी से खराब होता है जबकि उसी खाने को अगर हम बाहर रखें तो वो खाना बहुत तेज़ी से खराब हो जाता है ऐसा क्यों ये जो कवक हैं या जो सूक्ष्म जीव हैं जिनके कारण हमारा भोजन जो है वो ख़राब होता है ये जो सूक्ष्म जीव हैं वो कम तापमान पर तेजी से वृद्धि नहीं करते हैं और तेजी से वृद्धि नहीं करने के कारण हमारा खाद्य पदार्थ जो होता है वो खराब होने से बच जाता है इसीलिए हम भोज्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए फ्रिज में रखते हैं क्योंकि फ्रिज में जो तापमान होता है वो सामान्य से कम होता है चलिए आइए अब हम आगे बढ़ते हैं पांच जगत वर्गीकरण के जगत प्लांटी में प्लांटी यानी प्लांट प्लांट यानी पौधे बच्चों इस जगत के सभी जीवों के लक्षणों को याद करने के लिए हमें सिर्फ एक ही बात अपने दिमाग में याद रखनी है वह है कि इस जगत में सभी जो जीव होंगे वो कैसे होंगे पौधे होंगे हम सबने पौधे देखे हैं देखिए ये सब पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं ये जो पौधे हैं इनमें जो जो लक्षण पाए जा रहे हैं वो सारे लक्षण इस जगत के सदस्यों में पाए जाते हैं कैसे आपको ये जो पौधे हैं वो कैसे दिखाई दे रहे हैं ये बहु कोश हैं बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं दूसरा ये जो पौधे हैं वो यू कैरियोटिक हैं बहुकोश की हैं और यू कैरियोटिक है यू कैरियोटिक है मतलब इनका जो इनके अंदर जो कोशिकाएं पाई जा रही है वो कैसी हैं पूर्ण विकसित हैं पूर्ण विकसित हैं यानी इसमें पूर्ण विकसित केंद्रक भी पाया जाएगा और केंद्रक झिल्ली भी पाई जाएगी और अन्य कोशिकांग भी पाए जाएंगे जैसे कि हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं इनमें हरे रंग का एक पदार्थ पाया जा रहा है जिसे कि हम क्या कहते हैं क्लोरोफिल या हरित लवक इस हरित लवक के कारण ही पेड़ पौधे जो हैं, वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं चूंकि ये भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं इसलिए कैसे हैं स्वपोषी जीव हैं यानी जगत प्लांटी के अंतर्गत जितने भी जीव आएंगे वो कैसे होंगे बहु कोशिकी यू हरित लवक पाया जाएगा इनमें ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर सकते हैं भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं यानी ये कैसे हैं स्वपोषी जीव हैं। इनमें कोशिका भित्ति भी पाई जाती है इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज नामक पदार्थ से बनी हुई होती है इसके पूर्व भी जगत मोनेरा में हमने पढ़ा था कि जगत मोनेरा के जितने भी जीव हैं उनमें भी कोशिका भित्ति पाई जाती है परंतु उनकी जो कोशिका भित्ति है वो पेप्टिडोग्लाइकेन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई होती है जबकि जगत प्लांटी के अंतर्गत आने वाले सभी जीवों की जो कोशिका भित्ति है वह की बनी हुई होती है यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है जगत मोनेरा और जगत प्लांटी के सदस्यों में कोशिका भित्ति पाई जाती है पर इन दोनों की कोशिका भित्ति में क्या अंतर है तो मुख्य अंतर यह है जगत प्लांटी के अंतर्गत आने वाले जो सदस्य हैं या इसके जो जीव हैं चलिए इनको भी हम देखते हैं ये कौन कौन से जीव है स्पायरोगैरा जिसे हम शैवाल कहते हैं जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की लाइकेन के रूप में फ्यूनेरिया मॉस फर्न फर्ण से आप भली भांति परिचित होंगे आपके आसपास ये फर्न पाया जाता है साइकस खजूर नीम धान घास आम जाम ये सारे पौधे जो हैं जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं ये सारे जगत प्लांटी के सदस्य हैं